सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ टेक्नो गेमर्स के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड पर। और गाइस देख रहे हो कि इतना खतरनाक सीन है यहाँ का। तो गाइस मैंने काफी दिनों से सोच रहा था कि यार माइनक्राफ्ट में एक अच्छा सा मॉडर्न हाउस बनाया चाहिए मुझे भी। लेकिन गाइस मैंने ना मॉडर्न हाउस तो बनाया, लेकिन पता है उस दिन क्या हुआ? म्यूजिक फिर गाइज उसके बाद ना मैंने माइनक्राफ्ट खेलना ही बंद कर दिया। लेकिन गाइज मैं वापस आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के एक और मजेदार एपिसोड के साथ। और गाइज आज ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं टेक्नो गेमर्स। आज हम लोग हैं टेक्नो गेमर्स के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड पर, और आज हम लोग विजिट करने वाले हैं उसके कास्टल पे जाने वाले हैं। तो गाइज अभी ना मेरे पास ये मैप है, और गाइज मैप को फॉलो करते करते मैं ना कास्टल पे सीधा आ चुका हूँ। और गाइज देख रहे हो क्या मजेदार सीन है इधर का। तो गाइज ये है सामने वाला साइड से आयरन फार्म। ओ हाँ, ये है आयरन फार्म जो कि अनलिमिटेड आयरन देता रहता है। बाकी हम लोग मेन कास्टल देखने वाले, क्योंकि यार काफी दिनों बाद, मतलब वीडियोस पे तो काफी ज्यादा देखा हूँ, लेकिन गाइस सामने से देखने का ना मजा ही अलग है। तो अभी गाइस मैं आ चुका अपने हॉर्स को भागाते भागाते सीधा इस वाले सुगर कैन फार्म के साथ। और गाइस ये सुगर कैन फार्म ना बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और गाइस अनलिमिटेड सुगर कैन देता रहता है। खैर अभी गाइस ये ना काफी खतरनाक बनाया हुआ है, और भाई इसे बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा। खैर मैं ना सीधा चलने वाला हूँ कास्टल के अंदर और देखूंगा कि कास्टल कैसा है। खैर गाइस अभी ना मेरे पास काफी कुछ चीजें लेकर के आया हूँ साथ में, नेदर वाइट सावर्ड है और स्वर्ड है और भी काफी कुछ है। तो गाइस फाइनली मैं ना अंदर आ चुका हूँ कैस्टल के। और गाइस देख रहे हो, मतलब यार भाई बस भाई साहब इतने सारे आयरन गोलम बनाया हुआ है, मतलब यार अगर कोई जम्बीज वगैरह आ भी गया ना तो भाई जिंदा नहीं बचेगा। बाकी यार ये चूरन ना बहुत ज्यादा खुश है आज टेक्नो गेमर्स के कैस्टल पे आकर के। और भाई साहब देख रहे हो कितने सारे आयरन गोलम है भाई, इधर तो बहुत ज्यादा आयरन गोलम है। और भाई कास्टल ना सामने से, यार मतलब सामने से देखने का भाई मजा ही अलग है। भाई साहब इतने सारे आयरन गोलम है, भाई ऊपर के साइड भी आयरन गोलम है। ओ भाई यार क्या दिघूर रहा है, लगता है यार मुझे मारेगा, लेकिन यार मार नहीं सकते, ये बॉडी गार्ड है और भाई जम्बीज को मारते है केवल। ओके तो मैं ना काफी नजदीक आ चुका हूँ, और मैंने यार अभी अंदर जा करके देखने वाला हूँ। और भाई सामने जो मतलब राजा का सिंहासन है भाई, उसमें जा करके बैठ कर मजा लेने वाला हूँ। खैर अभी गाइस आप देख रहे हो कितना खतरनाक सा गेट बनाया हुआ है, बाकी हम लोग ऊपर भी जा करके देखेंगे। वैसे यार आप सभी को पता होगा ऊपर नेदर पोर्टल है और कुछ 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 कुछ, कुछ चीज़ें हैं। तो अभी गाइस ये मैं अंदर आ चुका हूँ, और भाई मैं ना सोच रहा यार ऐसा कमाल का गेट मैं भी अपने वन ब्लॉक सीरीज वाले वर्ल्ड में बनाऊँ। तो गाइस अभी देखो यार अंदर का क्या मस्त सीन है, और अंदर भाई ओ भाई अंदर भी आयरन गोलम है भाई। अबे भाई हटो यहाँ से, नहीं जाना है उसके पास। तो गाइस अभी ना ये जो सामने है ना भाई, ये वाला काफी कमाल का चीज़ है, मैं ना इसमें जा करके एक बार बैठने वाला हूँ। बाकी गाइस यहाँ पे डिज़ाइन ना भाई बहुत ही गजब है अंदर का, और यहाँ पे ये अंदर जाने के लिए रूम है, और भाई ये वाला चीज़ ना बहुत ओपी है। खैर यार मैं ना सोच रहा हूँ इस पर बैठा जाए, तो कहाँ पर बैठते भाई, एक सेकेंड यार। ओके तो यार इस वाले जगह पर बैठते, ओके तो भाई काफ़ी सही लग रहा है। तो गाइस अभी ना ये चूरन बैठ चुका है टेक्नो गेमर्स के सिंहासन में। यार बैठा कैसा है देख रहे हो भाई, बैठने का भी कोई तरीका होता है भाई, क्या मस्त बैठा है बंदा। खैर छोड़ो यार अभी हम लोग अंदर जा करके और भी अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है। और भाई इधर तो भाई जल जाओगे भाई, मत जाओ। ओके तो गाइस अभी हम लोग वापस से चलते हैं अंदर, के मैंने सारे चीज़ देख लिया। और गाइस ऊपर कुछ है भी या नहीं, वो तो कहते यहाँ पे यार शीशा लगा हुआ है। चलो छोड़ो हम लोग बाहर चलते हैं। और गाइस मैं ना अभी शुगर केन फार्म देखूंगा, और बाकी ऊपर जाकर के एक बार देख लेते कि यार ऊपर का जो सीन है ना भाई वो भी काफी गजब है। वो भाई साहब ऊपर भी यार एक आयरन गोलम है, और भाई क्या घूर रहा है बंदा यार, आंखें देखो इसकी यार पूरा लाल हो चुका है, मतलब लगता है ये गुस्से में। भाई यार ड्रा मत यार आयरन गोलम भाई, ये बॉडी गार्ड है ना भाई, निकल ले यहाँ से पहले फुर्सत में, वरना भाई पीटेगा तू, निकल पक यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग इसे छोड़ते, वरने भाई अगर ये गुस्सा हो गया ना भाई बहुत ही मारेगा। बाकी अंदर क्या है भाई, ओके तो यहाँ से शायद उस साइड कुछ है हम लोग ओ भाई यार कुछ था ही नहीं, मुझे लगा यार शीशा वगैरह है। चलो भाई बस बाल बाल बच गए, वैसे अपना हेल्थ फुल था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके तो हम लोग यार यहाँ पे ऊपर चल कर देखते हैं। बाकी तो ऊपर आपको पता होगा नेदर पोर्टल है, और यहाँ पे कुछ पानी वगैरह है, तो ये सब हम लोग छोड़ते हैं। बाकी इस साइड ना क्या जगह चीज़ है, काफ़ी सारे चेस्ट है, लेकिन ये सब शायद से खाली हो सकता है, क्योंकि यार सारा सामान ना अंदर है, बाकी अंडर स्टेज भी खाली है। तो गाइस ये है सैन, ओके तो यहाँ पे एक पोलर बियर है, और ये है एक छोटा सा शुगर पेन फार्म। ओके तो यहाँ पे पोटैटो वगैरह है। तो गाइस ऐसा ना मैं भी बनाने वाला हूँ काफ़ी जल्दी अपने वन ब्लॉक सीरीज में। तो गाइस कमेंट में बताने कि मुझे वन ब्लॉक सीरीज स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। बाकी यार ये कास्टल है ना भाई बहुत ही खतरनाक है यार, आपको
सबसे खतरनाक कास्टल किस यूट्यूबर का लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी गाइज ये जो कास्टल ना भाई सच में बहुत ज़्यादा ओपी है। वैसे गाइज अभी हम लोगों ने पूरा कास्टल तो एक्सप्लोर कर लिया, बाकी काफ़ी सही लगता है। और भाई बाउंड्री वगैरह हर जगह लगाया हुआ है, कोई भी जम्बीज वगैरह नहीं आ सकता। और भाई ऊपर के साइड भी है बहुत सारे, मतलब बाउंड्री के ऊपर भी ना जम्बीज मतलब आयरन गोलम है। और भाई देख रहे हो विलेजर्स ट्रेडिंग हॉल के पास कितने सारे आयरन गोलम है। बाकी बहुत ही ज़्यादा ओपी कास्टल है। तो गैस अभी हम लोग चुपचाप जाने वाले अपने वर्ल्ड पर, और गैस वहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ कुछ ऐसी इसी तरह का कास्टल, लेकिन गैस वो होगा कुछ अलग और भाई थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन गैस मैं भी बनाऊंगा ऐसा कुछ माइनक्राफ्ट में। तो गैस अगर आपको वन ब्लॉक सीरीज चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी अपना वन ब्लॉक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और गैस वहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गैस अभी हम लोग जाने वाले हैं, बाय बाय। और गैस कास्टल ना काफ़ी ज़्यादा ओपी है, कमेंट बताने कि आपको कास्टल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गैस, बाय।